हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संजय कुमार। आप लोग का फर्स्ट वीडियो में बताए थे बेसिक्स केमिस्ट्री के बारे में। सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और बहुत ट्रिक्स पे जानेंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के बारे से हम सीखेंगे। नहीं और उधर दिखाई दे रहा है सब कोई कि ना, आवाज आ रहा है। इससे पहले केमिकल रिएक्शन में दो इंपोर्टेंट होते हैं, एक होता है उत्पाद नहीं और अभिकारक। ये दो तो अभिकारक है, अभिकारक ना, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं। कि केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेते हैं नहीं उसे अभिकारक यानी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, इसे पी से निरूपित करते हैं। दूसरा है उत्पाद। उत्पाद आखिर क्या है, कि केमिकल रिएक्शन में अभिकारक भाग लेकर या सम्मिलित होकर नए गुणधर्म वाला एक पदार्थ बनाते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं उसे उत्पाद या रिएक्टेंट्स कहा जाता है। इसे आ से निरूपित किया जाता है, इसे पी से निरूपित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है, कि संयोजन। पहला है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं नहीं, या इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका, इसमें क्या चीज होता है संयोजन। संयोजन का अर्थ सही समझना और संयोजन में जुड़ना होता है, यानी कहने का मतलब हुआ नहीं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है यानी उत्पाद करता है, एकल पदार्थ इसमें बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एक ट्रिक दे रहा हूं, नहीं ट्रिक क्या है कि याद रखेंगे ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी हुआ यानी इन दोनों मिलकर के एक बनाएगा एकल यानी ए, ए प्लस बी हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब दो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के या केमिकल रिएक्शन करके एक नए गुणधर्म वाला या एकल पदार्थ का उत्पाद करता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे याद रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं कि सी प्लस फोटो बना दिया सी ओ टू, मानी अब ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया किया केमिकल रिएक्शन बना दिया सी ओ टू एकल हुआ। या एक आध एग्जाम्पल और जानते हैं हम लोग कि कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ प्लस एच टू अब यहाँ पर देखिए अब इसमें ऊर्जा भी निकलता है, ऊर्जा भी देख सकते हैं या नहीं। अब इसमें देखिए सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों रिएक्शन किए तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना बुझा हुआ चूना नहीं, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अब दूसरा बात करते हैं वियोजन। वियोजन या इसको बोला जाता है कि अपघटन। अपघटन वियोजन कहिए या अपघटन कहिए ना, डीकंपोजिशन इसको नाम है। अब इसके बाद करते हैं ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में सब पूछता है
वियोजन या अपघटन इसका ठीक विपरीत है। नहीं याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है संयोजन का विपरीत है वियोजन या अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या, नहीं कि वैसा केमिकल रिएक्शन ना कहते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एकल पदार्थ अनेकों रूपों में या अनेकों छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है या निर्माण होता है, तो उसे वियोजन या अपघटन कहते हैं। जैसे ट्रिक से याद रखेंगे, इसमें इसका विपरीत है कि ए बी ए प्लस बी इस प्रकार से होगा, ए प्लस बी होगा, समझ में आ रहा है? आवाज ऊपर से बोलेंगे, आवाज से पहले। अब इसमें है ये देखिए, अब हम इसके एक कोई एग्जांपल लेते हैं। नहीं जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं सी एस सी ओ थ्री, फॉर एग्जांपल समझेंगे सी एस सी ओ थ्री। ए है कैल्शियम कार्बोनेट सी एफ ओ प्लस सी ओ टू सी एस सी ओ थ्री सी ए ओ सी ओ टू। अब इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सभी को जानते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, बोलिए उधर से हैं? नहीं मालूम, चूना पत्थर, इसको चूना पत्थर कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। संगमरमर का भी सूत्र है याद रखेंगे, नहीं अब एकल है, नहीं अब जब एकल है, जब इसको हीटिंग किया गया, उष्मा दिया गया, बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो रूपों में टोटल बांटा। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, चलो इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये पूछा हुआ नहीं सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड ये पूछा हुआ चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे भी कोई जान रहे हैं, तो याद रखेंगे कि इसका रिएक्शन के बारे में। अब क्वेश्चन पूछता है कभी कभार पूछ देगा कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को नहीं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या उल्टी भी पूछेगा, तो ये याद रखेंगे, ये दोनों में डिफरेंस कर देंगे, और ट्रिक है याद करते चलेंगे। अब इसके बाद याद रखेंगे इसको, वियोजन या अपघटन का तीन भाग होते हैं, तीन रूपों में इसको बांटा गया है। तीन रूपों में कौन कौन सा है ये हम लोग पढ़ेंगे तुरंत। यदि किसी को वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि रिवर्स करके देखेंगे या पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़े दूसरा नंबर में कौन सा रिएक्शन पढ़ है, नहीं वियोजन, तो वियोजन का तीन भागों में बांटा गया ना, तीन भागों में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए तीन भाग में क्या, दूसरा के पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, उष्मा शोषी, उष्मा शो दिखाई दे रहा है, उष्मा शोषी, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, थर्मल इसके बारे में पढ़ते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन किया है यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया किया है। तो चलते इसके बारे में कि वैसा केमिकल रिएक्शन, नहीं वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें उष्मा यानी एनर्जी का आवश्यकता होता है, जरूरत होता है, नहीं ये इसको कैसे क्या कर सकता है, एनर्जी यानी उष्मा का, जब उष्मा का इसका आवश्यकता होता है यानी ऊर्जा का आवश्यकता होता है तब इसमें से रिएक्शन होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे ए है से ना, यह है वियोजन का ही रूप है, तो उसी रूप से इसको भी कहा जा सकता है, जैसे कि ए भी है, ट्रिक याद रखेंगे कि ए भी है, इसको हम लोग देंगे उष्मा, नहीं तब से ए प्लस बी के रूप में डिवाइड हो जाएगा, ए बी ना सुनिए ए प्लस बी के रूप में डिवाइड हो गया। नहीं अब इसमें क्या चीज होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसका ना, कि
कैल्शियम में कार्बोनेट के ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CaCSCO3 इसको देंगे हम लोग, उष्मा देंगे तो दो बट जाएगा CO प्लस CO2, उष्मा देंगे। ये याद रखना है कि किस प्रकार से है कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तो टूटते पे देखिए इससे उष्मा निकलता है, इसको ऊर्जा भी चाहिए, नहीं ऊर्जा चाहिए इसको, इसे हमें कोई एग्जांपल है इसका। इसके बाद सेकंड में है कि ए है और बी में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है रुकेंगे। चलिए बी में है वैध धूम, वैध धूम, वैध धूम कहेंगे क्या, विद्युत भी इसको हम कहेंगे, इलेक्ट्रोलीज इसको कहेंगे, यानी वैध इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नहीं रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं रिएक्शन। हम इसके बारे में देखते हैं या क्या है वैध यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या चीज कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। नहीं याद रखेंगे कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है या अलग अलग उत्पाद होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे। जैसे मानिए कि कोई मान ली कि एक थोड़ा सा हम लोग ट्रिक के रूप में लेते हैं कि माना कि ए बी है, नहीं ये एक है, इसको दिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो इलेक्ट्रिक करंट दिए ए बी को, तो क्या चीज हुआ कि दो में भाग दो या फिर कुछ भी कहिए ए प्लस बी। अब सब कही है कि सब जो है वियोजन और आ रहा है, तो वियोजन का ही अति भाग में है, तो वियोजन क्या है तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट रखना है, तो ध्यान रखना है कि क्या कैसे होता है इसे। जिससे मानिए एग्जांपल से समझते हैं, H2O इसको ना H2O है तो दो भागों में बढ़ जाएगा H2O प्लस O2, यानी इसको हम लोग क्या देंगे इलेक्ट्रिक करंट, दो भागों पर इलेक्ट्रिक करंट देने पर, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद है सी नंबर, समझ पा रहे हैं मस्ती में रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए मंदी में। अब सी में प्रकाश संश्लेषण या सौर ऊर्जा भी कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण फोटोलाइसिस। क्या चीज फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन, रिएक्शन रिएक्शन। अब इसके बारे में समझेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जाम पूछता है इसको, इसके बारे में समझते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें
जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई पदार्थ नहीं पदार्थ है ना, तो सूर्य का प्रकाश से रिएक्शन करके नए पदार्थ को प्रोडक्ट करता है नहीं, उसके इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई नया ये वो कोई पदार्थ है तो दो या तीन या चार कुछ में भी बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके माने कि ये भी इसको दिए हम लोग सूर्य के प्रकाश सनलाइट, सनलाइट दिए कि बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, समझ में आ रहा है? यानी इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है या सौर ऊर्जा में रिएक्शन में कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, जिससे कि मान लीजिए कोई पदार्थ हम ले रहे हैं ट्रिक है याद रखेंगे ए बी है, इसको सनलाइट दिए सूर्य का प्रकाश दिए तो रिएक्शन करके ई अलग अलग रूपों में टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से लेते हैं अपने ना, फॉर एग्जाम्पल ए जी सिल्वर को जानते हैं, ए जी सिल्वर क्लोराइड, इसको दिए क्या सनलाइट, सनलाइट देंगे तो बन जाएगा ना ए जी और सी एल में टूट जाएगा, सी एल में टूट जाएगा। अरे देखिए इस सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट सूर्य का प्रकाश दिए ये बन गया अलग अलग रूप में टूट गया ना सिल्वर क्लोरीन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि टू काहला लग रहा है, यहाँ टू काहला लग रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल रूप से बताएंगे है ना, जब एक क्वेश्चन बताएंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में तो उसमें एकदम फिर ना बहुत अच्छी तरीका से हमसे इसमें लगेगा कि टू का है ये कहाँ से आ गया, तो ई का इसका मतलब देखिए वो भी बताएंगे, वीडियो को देखते रहें नहीं और अध्ययन करते रहें। इस प्रकार से एग्जाम्पल भी लेते हैं इसमें तो सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम लोग, इस सिल्वर क्लोराइड है याद रखेंगे ना सूर्य के प्रकाश है जी, या फिर कहते हैं हम लोग टू ए जी बी आर ना सिल्वर क्लोराइड इसको हम लोग कहेंगे, इसको सूर्य का प्रकाश देंगे सनलाइट, ये दो रूप में टूट जाएगा उसी के रूप में है टू ए जी बी आर टू, याद रखेंगे इसको सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से रिएक्शन कराया गया तो सिल्वर और ब्रोमाइड में यानी ब्रोमीन है नहीं दो रूपों में अलग टूट गया। इतना समझ में आ गया अभी तक हम लोग दूसरे रिएक्शन तक सीखे, हम लोग आठ रिएक्शन सीखेंगे नहीं, इसके बाद आज का वीडियो इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नहीं तुरंत आप लोग डाउनलोड कर दे रहा हूँ सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे नहीं और याद करेंगे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ना शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आप पूछ भी सकते हैं ट्यूब चैनल सर ना जो भी पूछना है ना, बस इतना ही आज का वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट में वीडियो थर्ड में बनाएंगे, छोटा छोटा ही रहेगा तो समझ में भी ठीक रहेगा ना। ओके थैंक्स।